हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और रेखा द इंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक रेसिपी लेके आए हैं, हैदराबादी शाही बिरयानी। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हैदराबादी शाही बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं एक कटोरी बासमती राइस। लंबा वाला राइस है, इसको हम बहुत अच्छी तरह से धो लेंगे। फ्रेंड्स, राइस को बहुत अच्छे से धो करके हमें 10 से 15 मिनट के लिए भिगो देना है। फ्रेंड्स, हमने बासमती राइस को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे। फ्रेंड्स, शाही बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है अपनी पसंद की सब्जियां, वो मैंने कट करके रखी हैं, आपके सामने है। एक आलू मैंने धो करके छील करके लंबा लंबा कट करके रखा है। टू कलर मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है, आप चाहें तो थ्री कलर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं हैदराबादी शाही बिरयानी, तो क्यों ना हम हमारे तरीके से बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कलरफुल। तो देखिए, जो मैंने सब्जियां ली हैं वो सब आपके सामने हैं। कैप्सिकम और आलू मैंने आपको बता दिया था, साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पे प्रिजर्व मटर, बीन्स, गट्टे, राजस्थानी गट्टे हैं, मैंने अभी तैयार करके रखे हैं। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और राजस्थानी गट्टे की सब्जी को देख सकते हैं, वहां से आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। थोड़े से मैंने यहाँ पे लिए हैं भुट्टे के दाने यानी कि कॉर्न, साथ ही लिया है मैंने एक कटोरी अनार, दो मैंने ब्रेड के स्लाइस कट करके फ्राई करके रखे हैं, बहुत ही अच्छे गोल्डन फ्राई हुए हैं देखिए, और एक कटोरी लिया है मैंने पनीर, साथ ही लिया है मैंने हरा धनिया पत्ती। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सब्जियों के बाद में आते हैं मसाले। यहां जो मैंने मसाले लिए हैं वो सब आपके सामने हैं। देखिए, सूखा मैंने पुदीना लिया है, अगर आपके पास वो फ्रेश है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। एक चम्मच सिकावा जीरा पाउडर लिया है, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, एक चम्मच मैंने यहाँ पे सूखा जीरा लिया है बघार के लिए, थोड़ी सी मैंने केसर के धागे लिए हैं यानी कि पत्तियां ली हैं, इसको हम पानी डाल के भिगो देते हैं। मैंने यहाँ पे एक चम्मच पानी डाल दिया है और केसर, जब तक हम सबको तैयार करेंगे तब तक केसर हमारी भीग जाएगी। साथ ही हमने लिया है येलो फूड कलर, इसमें भी हम पानी डाल देते हैं। 1/4 चम्मच मैंने ली है हल्दी पाउडर, एक चम्मच मैंने ली है चीनी, एक चम्मच मैंने लिया है हरा धनिया पाउडर, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे और ड्राई फ्रूट हम हमारी पसंद के लेंगे। इसमें मैंने किशमिश, बादाम और काजू लिए हैं। आइए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल बहुत अच्छी तरह से भीग चुके हैं। देखिए, अब सबसे पहले हमें चावल को पकाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पतीला और इसमें 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूं तेज पत्ते, 4-5 लौंग और 1 दालचीनी। पानी को बॉईल होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पानी बॉईल होने को आ रहा है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक एकदम हिसाब से डालें, ज्यादा नहीं हो जाए। और अब हम इसमें साथ ही डाल देंगे हमारे चावल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे चावल डाल दिए हैं, अब हमें इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, इसी तरह से चावल को पकने देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल पक चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम हमें एकदम पकाना नहीं है, 80 से 85% हमें इसको पकाना है। वो पक चुका है, अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट से हमें अगला स्टेप करना है, चावल में से पानी अलग कर देना है। अब मैंने इनको एक बड़ी थाली के अंदर फैला दिया है ताकि ये चावल बहुत अच्छी तरह से पके नहीं, यहीं की यहीं ठंडे हो जाएं। इसको हम फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल को अच्छे से फैला दिया है, ठंडा होने का वेट करेंगे। आइए तब तक हम इसके लिए सब्जियां तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये चावल का पानी है, इसे हमें फेंकना नहीं है, बिरयानी बनाते समय हम इस चावल के पानी को यूज में लेंगे। फ्रेंड्स, शाही बिरयानी की ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे ली है एक कढ़ाई, इसमें 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं या बटर भी यूज में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, घी गरम हो चुका है, हम इसमें जीरा डाल देंगे,
सबसे पहले मैं प्याज डाल दूंगी। अगर आप लंबा लंबा पसंद करते हैं तो आप लंबा लंबा भी कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बारीक कट किया है, एकदम चॉप कर दिया है इसको। फ्रेंड्स प्याज के साथ ही हमने लिया है एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चार पांच हरी इलायची के दाने निकाले हैं, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप छिलका पसंद करते हैं हरी इलायची का तो वो भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा फ्राई होने लग गया है, कलर चेंज होने लग गया है। अब हम डाल देंगे इसमें बादाम और इनको भी इसी के साथ में भून लेंगे। काजू भी डाल देंगे, किशमिश हमें अभी नहीं डालनी है। देखिए फ्रेंड्स हमारे प्याज लहसुन अदरक काजू बादाम सब चीज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर डार्क होने लग गया है। अब हम इसमें सब्जियां डालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आलू। मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, हाई या लो नहीं करना है। अब हम डाल देंगे बीन्स। फ्रेंड्स मटर जो है वो हमारे प्रिजर्व हैं इसलिए अभी हम मटर भी नहीं डालेंगे, साथ ही डालेंगे हम मक्के के दाने। आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिए वरना स्किप कर दीजिए। फ्रेंड्स शाही बिरयानी बना रहे हैं, इसमें सब्जियां जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी अच्छी लगती हैं। अगर आपके पास फूल गोभी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, गाजर है तो डाल सकते हैं, जो भी आपके पसंद की सब्जियां हो वो सब आप डाल सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें शिमला मिर्च रेड और येलो कलर की। अब हम बहुत अच्छी तरह से सबको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम इसमें नमक डाल देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें कि नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम चावल में भी नमक डाल चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसमें मसाले। मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, हरा धनिया पाउडर भी डाल दिया है, हल्दी पाउडर और साथ ही पुदीना। फ्रेंड्स पुदीने का इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए हैदराबादी बिरयानी के अंदर पुदीना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स सब्जियां और मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। और फ्रेंड्स यकीन मानिए खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। देखिए पानी डाल के मैंने एक बार मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको ढक्कन लगा देती हूँ ताकि जो सब्जियां हैं हमारी वो बहुत जल्दी से पक जाएं। फ्रेंड्स मैंने एक खाली बाउल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ एक कप दही। फ्रेंड्स दही में हम डाल देंगे सिका हुआ जीरा, थोड़ा सा नमक, नमक ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर भी हम डाल चुके हैं इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक चम्मच हरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ती। बहुत अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स दही में सभी मसाले मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। एक चम्मच चीनी ली है हमने, चीनी को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आइए फ्रेंड्स अब सब्जियां चेक कर लेते हैं, हमारी जो सब्जियां हैं वो लगभग पक चुकी हैं तब हम उसमें दही ऐड कर देंगे। आइए फ्रेंड्स सब्जियां चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जियों में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है और लगभग पक चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पनीर। और पनीर को डालकर के एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, पनीर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, साथ ही हम गट्टे भी डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी तैयार की हुई दही। सभी सब्जियों को दही में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए और हम पकने देंगे, ताकि जो दही का कच्चापन है वो भी निकल जाए और हमारी दही जो है वो फटे नहीं। गैस के फ्लेम को अब मैंने हाई कर लिया है और इसी तरह मिलाते हुए मैं एक बार इसको बॉईल होने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, दही हमारी बॉईल होने लग गई है, तो हमारी हैदराबादी बिरयानी, शाही बिरयानी की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, मटर भी डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपके पास जो भी पसंद की सब्जियां हो या जो सब्जियां आप लाइक करते हो वो इसमें जरूर डालें, बहुत यम्मी लगती है ये रेसिपी। आप इसको बहुत आसानी से घर पे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। इसको 5 मिनट के लिए अब मैं ढक दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जियां और दही बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। आइए अगला प्रोसेसर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है, हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हैं, ठंडे हो चुके हैं। अब आप जिस भी बर्तन में चाहें, कढ़ाई में, हांडी में या कुकर में बिरयानी तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुकर लिया है, आप चाहें जो बर्तन ले सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले ग्रेवी लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक लेयर मैंने ग्रेवी की लगा दी है, अब हम इसमें एक लेयर चावल की लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमें इस तरह से फैला करके लगाना है, बिल्कुल भी दबाना नहीं है। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, ताकि बहुत आसानी से इसमें सारी लेयर तैयार हो जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चावल की सेकंड लेयर भी लगा दी है और हमें इसको दबाना नहीं है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें सब चीज़ों को बिछा देना है। जो केसर के धागे हमने तैयार किए हैं पानी में, वो भी डाल देंगे। मैंने सारी लेयर तैयार कर दी हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी लगभग 1 कप के आसपास चावल का पानी। ये हमें इस तरह से घुमा के डाल देना है या बीच में सेंटर में डाल देना है। देखिए, मैंने डाल दिया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो ब्रेड के पीस तैयार करके रखे हैं फ्राई करके, वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। और यकीन मानिए, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में। जो हमने यहाँ पे फूड कलर लिया था येलो, वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, जो ये कलर आएगा वो केसर से और फूड कलर से ही आएगा, जो हमारे चावल कहीं से सफ़ेद और कहीं से पीले नज़र आएंगे वो इसकी वजह से ही आएंगे, और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। मैंने यहाँ पे 4-5 ड्रॉप केवड़ा जल की ली हैं, यानी कि केवड़ा एसेंस। इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। इसमें मैं 1 चम्मच पानी डाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 चम्मच पानी डाल लिया है और इसको बिल्कुल हल्का हल्का हमें सब तरफ छिड़क देना है, एक ही जगह नहीं डालना है, ताकि इसका सारे में फ्लेवर आ जाए, इसलिए हमने इसको ड्रॉप ड्रॉप करके सब तरफ डाल दिया है। अब हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। फ्रेंड्स, मैंने कुकर को गैस पे रख दिया है और गैस के फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। अभी हम इसमें 1 सीटी आने का वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ गई है। अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और 2-3 मिनट हम इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे। उसके बाद हम जो विसल है, जो सीटी है, उसको निकाल देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और हम इसकी सीटी को निकाल देंगे।
देखिए निकल गई है अपने आप से ही, क्योंकि जब सीटी आ रही थी तो वो काफी देर तक ऑन थी, तो इसलिए इसकी सीटी ऑलमोस्ट निकल चुकी है अपने आप ही। आइए फ्रेंड्स कुकर के ढक्कन को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स शाही बिरयानी को सर्व करने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखें कि कम से कम 10-15 मिनट इसको रखा रहने दें, उसके बाद सर्व करें, ताकि जो हमारे चावल हैं ये टूटेंगे नहीं। देखिए फ्रेंड्स लुकिंग में कितनी बढ़िया लग रही है। अब आप चाहें तो इसको मिक्स कर लें, नहीं तो इस तरह से साइड से निकाल लें। देखिए फ्रेंड्स कहीं से चावल जो हैं वो सफेद हैं, कहीं से येलो हैं, और कहीं से इसमें सब्जी का कलर आ गया है, यानी कि ग्रेवी का कलर आ गया है, और ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। आप चाहें जैसे सर्व कर सकते हैं, सारी इसको मिक्स करके बिरयानी को भी सर्व कर सकते हैं, और जैसे हम आपको सर्व करके दिखा रहे हैं बिल्कुल आप इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने शाही बिरयानी को सर्व कर दिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके रखा हुआ है, इसको हम ऊपर से डाल देंगे। ये ऑप्शनली है, अगर आप पसंद करते हैं तो डालें वरना स्किप कर दें। जो हमने अनार के दाने छील के रखे हुए थे फ्रेंड्स, अब हम उसको यूज में लेंगे, क्योंकि अगर हम बिरयानी बनाते समय डाल देते तो अनार का सारा कलर चला जाता। और जो हमने ब्रेड स्लाइस तैयार की थी वो हमने अलग निकालनी थी, अब हम इसको ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने हैदराबादी शाही बिरयानी को सर्व भी कर दिया है, और लुकिंग में बहुत ही यम्मी लग रही है। तो आप जब चाहें तब बनाएं, टेस्ट करें, और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।